What's up Scott, welcome back to the channel. और आज हम क्या करने वाले हैं? क्या आज हम करने वाले हैं अपनी निम्बस 200 की सर्विस. सो बहुत सारे प्रॉब्लम है, पूरी लिस्ट भर के उसमें प्रॉब्लम्स है मैंने देखा और मैं बहुत फेस कर रहा हूँ. बाइक तो अभी चल भी नहीं है, पूरी डेड कंडीशन में है. सो जाते हैं गैरेज में, अभी तो बच चुके हैं 120 हो चुके हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, पूरी लिस्ट भर के है. सो मिलते हैं बाइक का. माइक चेक 1 2 3. और ये आ चुका अपना बंदा, देखते हैं अपनी निम्बस जो मत बोला है. हाँ चालू काय बोल रहा दादा, हम चालू झालं चावी आपण देऊ ना. ही हालत देखो, मी देखो चल मेरे पूरे सेन्सर. हाँ हाँ दे 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 दे. वो हो ये अपने निम्बस चालू हो चुके हैं. ये है हम डोंबिवली की सड़कों पे घूमते हुए और ये बीप बीप लोग. चलो 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 भाई चलो. बीमार गाड़ी है ऐसा तो हाथ दुखने लगा मेरा. मैं इसको ये रोक भी नहीं सकते ना, रोक दिए और बंद हो गई तो हो गए लफड़े. चालू नहीं होती ना वापस. ए ए अरे अरे भाई अरे भाई देखो और ही मिल गया गाड़ी की, मतलब पूरी टोटली एक्स वाई हेड हो गई है. अभी समझ जाओ यार गाड़ी की कितनी वाट लग गई है. देखो देखो रास्ता देख के भी क्रॉस नहीं करते, जितना जल्दी काम हो जाए उतना जल्दी सही है. बोल रहा है कि पीछे का टायर सब पंचर है, देखते हैं अभी उतर गए वैसे पहुंचेंगे. वैसे देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं. तो पहले तो डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, क्योंकि अगर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे तो लफड़ा हो जाएगा भाई. मेरे को जाने दो. अरे यार भाई साहब
ओ भाई इधर डालो जान दो इधर 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 आओ देखो क्या हुआ है आपको बोलना उस दिन आके क्या दो दिन पहले गाड़ा सर्कल पे था गाड़ी बंद हो गया ऐसे ही डचके में और चालू किया तो ऐसे ही सीधा और बाकी भी अपना सब काम करना कर देगा ना अभी थोड़ा खाना सर्विस हां कर लो ना मैं तब तक रुक जाता ए भगवान और लग गया क्या तू लोग था हाँ खाना खा लो पहले आप Your song. Ah, One eternity later. So अभी गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे गैरेज पे तो गाड़ी का काम अभी शुरू होगा मैकेनिक है जो खाना खाने के लिए खाना खाने का टाइम हो चुका है अराउंड 2:31 हो चुका है क्यों इतना टाइम लगा एक डेढ़ घंटा उसकी स्टोरी आपको पीछे ब्लॉग में पता चल जाएगी सो अभी आए हैं बहुत सारे पार्ट्स आपको बताऊँ ये अपना टॉप बॉक्स है टॉप बॉक्स में सब पार्ट्स रखे हुए हैं और ये अपने निम्बस 200 सो जैसे ही काम चालू हो जाता है आप लोगों को दिखा देता हूँ सो टिल देन वेट कीजिए गाड़ी अभी पूरी ओपन हो चुकी है गाड़ी का भी काम शुरू हो चुका है सो देखते हैं अभी इसमें क्या क्या चेंज होगा ये देखिए में भी चेंज तो होगा स्प्रॉकेट चेंज होगा क्लच प्लेट चेंज होगा और बाकी की पूरी सर्विस होगी
व्हाट्स अप स्क्वाड, वेलकम बैक और ये डे टू अपने बाइक रिपेयर ब्लॉग का जो लास्ट अपने सीन्स देख रहे थे जिस वक्त बाइक रिपेयर हो चुकी है तो उसके बाद मुझे कुछ टाइम नहीं मिला करने को, पर अभी अपनी बाइक फुल्ली रिपेयर हो चुकी है, अपनी यूनिवर्स चालू हो चुकी है। सो मेरा गाड़ी स्टैंड का तो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या क्या होगा बाइक। तो मैं कभी बाइक में तो बहुत मोटा मोटा खर्चा हुआ है, खर्चा तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस आया। पर पहले पार्ट में अपने चेंज हुआ है कि दोनों ब्रेक पैड चेंज हो चुके हैं, दोनों पीछे के और आगे के व्हील रबर जो रहते हैं वो चेंज हो चुके हैं, उसके बाद अपनी एक्सीलरेटर केबल चेंज हो चुकी है, क्लच केबल चेंज हो चुकी है, उसके बाद अपना एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, उसके बाद क्लच सेटिंग हो चुकी है, अपनी व्हील बैलेंसिंग हो चुकी है, चेन स्प्रॉकेट चेंज हो चुका है, उसके बाद पूरा इंजन फ्लश कर लिया, कूलर फ्लश कर लिया, दोनों ब्रेक वाल्व फ्लश करके नए डाले हैं। तो गाड़ी जैसे आपने देखी डेड कंडीशन में थी, चालू भी नहीं हो रही थी और इसकी वजह से अपने स्टार्टिंग मोटर पे भी इशू आ रहा था, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बैटरी भी चेंज करनी पड़ी, तो बैटरी भी चेंज हो चुकी है और फुल टॉप अप वगैरह कर दिया गया है, थोड़े बार मॉड्स भी किए हुए मेरे इंस्टॉलेशन, वो भी आपको आगे चल के बताऊँगा कि क्या किया हुआ। तो खर्चे की बात करें तो मोटा मोटा एक अराउंड मेरे को 10,000 रुपीज़ का खर्चा आया, वो भी फिनिश में आने और थोड़े खर्चे हैं वो भी करते हैं, तो 10,000 मैंने ऑन लेबर कॉस्ट किया दिया था कि पार्ट सब नए लाते थे और बाकी सब मैंने लेबर के थ्रू नंबर कौन थे लेबर किधर थे वो सब डिटेल्स में आपको दे दूँगा।